हाय एवरीवन, आज मैं ग्रुप डी का क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि 28 दिसंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी बेस्ड, इसी इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले एग्जाम जो है उसमें पूछा जाएगा। सो शुरू से लेकर अंत तक देखिए वीडियो। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है ना कि 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो पहले तो जिसको नहीं मालूम है, अगर छोटी संख्या पूछे ना तो 1 लिखिए, और उसके बाद कितना कह रहा है, 5 अंकों की ना, तो 1 कम 0 लिखना है, मतलब 4 0 लिखना है। ये हो गया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर कहता 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 लिखते और 5 0 देते। बहुत ईजी है, याद रखना। ठीक है, ओके, आइए क्वेश्चन पर। वह कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करते हैं ना तो 6 शेषफल बचता है। ठीक, तो आप थ्रू ऑप्शन भी जा सकते हैं। ऑप्शन में यहाँ पर कंफ्यूजिंग, आपको कंफ्यूज करेगा, आप सोच के आएंगे कि हम सही बनाए हैं, लेकिन गलत हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए को अगर आप देखेंगे 7 से विभाजित करके तो 6 आ रहा है। ठीक है, और बी को भी देखेंगे तो बी को भी आ रहा है। ठीक, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे 7 से डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन भागफल से यहाँ कोई मतलब नहीं है, सो भागफल लिखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्विकली हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे 7 से, तो 1 टाइम 3 0, फिर 7 4 28। ठीक है, 2 0 2 टाइम्स, और 6 0 7 8 56, 4 रिमाइंडर हो गया, 4 शेष बच गया। हमको तो शेष 6 बचाना है ना, तो 4 से 2 और जोड़ देते हैं इसमें, तो 6 शेष बच जाएगा। तो यहाँ पर +2 कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगर 6 शेष हम आपको चाहिए तो n000 में 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में आप 2 ऐड कर दीजिए, 6 शेष बचने लगेगा। ठीक, जैसे मैं यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये कर लेते हैं, ठीक, 62। तो अब 7 8 56, और 12 में से 6 गया 4। क्लियर, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर आइए। कहता है ना कि एक्स और वाई मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर देता है। ठीक है, और वाई और जेड उसी काम को 18 दिन में कर सकता है, और एक्स और जेड इसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो कहता है एक्स वाई जेड मिलकर कितने दिन में पूरा करेगा कार्य को। तो ऐसे कामों में आपको पहले टोटल काम निकालना होगा। टोटल काम कैसे निकालते हैं, एलसीएम ऑफ गिवन वर्क, गिवन डेज, जो डे डे दिया हुआ है, दिन दिया हुआ है, उसको एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो वो टोटल वर्क होगा। तो यहाँ पर कितना है, 12 दिन, 15 दिन और 18 दिन, इसका एलसीएम कितना होगा, 180। अगर जिसको नहीं पता कि एलसीएम कैसे जल्दी निकालते हैं, हमको एलसीएम किसका निकालना है, 12, 18 और 15, इसका एलसीएम निकालना है। तो इसमें से कॉमन क्या आपको दिख रहा है, जो पहले ले लेते हैं। कॉमन यहाँ पर हमको 5 3 3 दिख रहा है सभी में, तो यहाँ पर 4 बच गया, 4 तिया 12, 6 तिया 18 और 5 तिया 15। ठीक है, ये कॉमन है, कुछ और कॉमन है, जितना भी कॉमन है ले लेंगे। हाँ, 2 कॉमन दिख रहा है कि अभी भी 2 4 और 6 से ले सकते हैं, तो ले लिए। ठीक, यहाँ पर 2 बच गया, यहाँ पर 3 बच गया, 5 इसमें से नहीं ले सकते। अब इसमें, इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 और 2 को अलग रखिए, क्योंकि 5 और 2 मिलके हमको 10 दे देगा, जो कुछ 0 कर सकते हैं। तो 6 3 2 6, मतलब 3 दुनी 6 अतिया 18, इसके बदले 5 और 2 के बदले यहाँ पर 0। ठीक है, यानी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा। इस तरह से आप एलसीएम बहुत फास्ट वे में निकाल सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड से एलसीएम निकालेंगे आपको टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो, इसलिए मैं यहाँ पे ये बताया। क्लियर, सो टोटल वर्क हम लोग के यहाँ पर मिल गया। टोटल वर्क कितना है, 180 यूनिट, मान ले यहाँ पर यूनिट लिख लेते हैं, 180 यूनिट वर्क है। तो एक्स प्लस वाई ये पूरा काम को 180 यूनिट को कितना करता है, 12 दिन में करता है। ठीक है, और वाई एंड जेड कितना दिन में करता है, 18 दिन में कर देता है, मतलब ये पूरा काम कर देता है।
और फिर एक्स एंड जेड, एक्स और जेड कितना दिन में कर देता है? 15 दिन में कर देता है। ठीक, तो देखिए तो एक दिन का काम निकाल लीजिए कि एक दिन में कितना करेगा सब मिलके। ठीक, तो एक्स प्लस वाई 12 दिन में तो पूरा काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 180 डिवाइडेड बाई 12, 180 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 15। ठीक है, और फिर वाई प्लस जेड 18 दिन में पूरा काम कर देता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 180 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है, 10 दिन, 10 यूनिट, ये यूनिट आ रहा है, 10 यूनिट करेगा। एक्स प्लस जेड 15 दिन में क्या कर देता है? पूरा काम कर देता है, 180 यूनिट काम है ना, तो एक दिन में कितना करेगा? 12 यूनिट करेगा। ठीक है, 180 डिवाइडेड बाई 15 करेंगे ना, तो 12 यूनिट। क्लियर? तो देखते हैं, अब सबको ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर तो एक्स भी 2 टाइम्स, वाई भी 2 टाइम, जेड भी 2 टाइम, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, रख लेते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इधर भी ऐड कर लीजिए, एक दिन का काम, तो 15 10 25 12 37 यूनिट। ठीक, तो ये 37 यूनिट है जो 2 × x + y + z मिलके करता है, तो केवल x प्लस वाई प्लस जेड कितना दिन में कर देगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक दिन में कितना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना करेगा? ठीक है, एक दिन में, तो 37 डिवाइडेड बाई 2, इधर ये 2 इधर आके डिवीजन में, यानी 18.5 यूनिट एक दिन में करेगा ये तीनों मिलके। ठीक है, 1 मिनट, ओके, तो तीनों मिलके एक दिन में 18.5 यूनिट यानी 18.5 यूनिट करता है, लेकिन करना कुछ उसको कितना काम है? 180 यूनिट टोटल है, और कितना एक दिन में तीनों मिलकर कितना करेगा? 18.5, तो एक दिन से भाग दीजिए टोटल काम को, तो निकल जाएगा ये अप्रोक्स लगभग कितना होगा? 18 दहसिया से यानी 10। ठीक है, तो लगभग में पूछ ही रहा है, लगभग कितने दिनों में? तो लगभग 10 दिनों में ये काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे काम, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में क्या रखना है याद? एलसीएम लेके टोटल काम निकालना है और फिर एक दिन का काम निकाल लेना है। ठीक है, फिर डिवाइड कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ओके, सो त्रिकोणमिति से एक क्वेश्चन आया है, ट्रिग्नोमेट्री, तो साइन थीटा कॉस थीटा जब भी है तो आपको रखना पड़ेगा समकोण त्रिभुज का ध्यान। ठीक है, समकोण त्रिभुज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये वाला एंगल 90 और इसके सामने वाला हाइपोटेनस कर्ण होता है, इसको एच से, ए परपेंडिकुलर पी, इसको बी, तो साइन थीटा बराबर होता है पी अपॉन एच। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर इक्वल अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, और कॉस थीटा होता है बेस, बेस माने तो ए, ठीक है, बेस बी अपॉन एच, कर्ण, आधार अपॉन कर्ण। ठीक है, तो और टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर, मतलब ए, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन लंब जिसको बोलते हैं हिंदी में, अपॉन आधार यानी बी। ठीक, और टेन थीटा के जस्ट अपोजिट कॉट थीटा होता है, इसका क्या होता है? बी अपॉन पी, बी अपॉन पी मतलब आधार अपॉन लंब। ठीक है, कॉट थीटा का, तो देखिए आप, हमको यहाँ पर, यहां से पी कितना है? 3 है, यहां से बी कितना है? 5 है, बी अपॉन एच कॉस थीटा, तो यही तो हमको चाहिए इसमें। ठीक है, लिख लीजिए 1 अपॉन tan थीटा, tan थीटा मीन्स पी अपॉन बी, यहाँ पे तो पी है 3 और बी कितना है? 5 है, लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक, और 1 माइनस कॉस थीटा बी अपॉन पी मतलब आधार अपॉन लंब, तो आधार कितना है? आधार तो यहाँ पर है ना 5, लंब कितना है यहाँ पर? 3। ठीक है, इसका कोई यूज ही नहीं हुआ, ठीक है, √34 का। क्लियर, इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम 8/5 हो जाएगा ऊपर। ठीक, और ए जस्ट अपोजिट ये कितना हो जाएगा? 3, यहां पर लेंगे तो 3 - 5 यानी -2/3, -2/3, हाँ यहाँ लिख लेते हैं 8/5, ये 3 उलट के ऊपर जाएगा, 3/3/-2। ठीक, यहाँ देख लीजिए 4 2 8 कितना हो गया? 12 3 4
43, 4 3 12, सॉरी 4 3 12 अपॉन 5, यानी माइनस माइनस 12 अपॉन 5, माइनस भी था ना यहाँ, तो ऑप्शन बी इज हेयर करेक्ट आंसर। यहां पर आपको नोट्स क्या बनाना होगा कि साइन थीटा बराबर होता है पी अपॉन एच, यानी लंब अपॉन कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है धार अपॉन कर्ण, यानी बी बी अपॉन एच, और टेन थीटा क्या होता है पी अपॉन बी, और टेन थीटा के अपोजिट क्या होता है कॉट थीटा, ठीक है। साइन थीटा के अपोजिट क्या होता है कॉसेक थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है सेक थीटा। ये नोट्स बनाना है आपको, बाई हर्ट याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको आना ही चाहिए, ठीक। या एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है, 50% तो आना ही चाहिए, 50% मीन्स हाफ, 1/2, ठीक है। 50% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगा हाफ, 50% मतलब आधा। परीक्षा में दो प्रश्न पत्र शामिल है, ठीक है। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए, तो 40% 10% कैसे निकालेंगे। 10% निकालने के लिए आपको जिसको भी कहे, जैसे मैं हम इसको पहले 10% निकालते हैं, 200 का 10% कैसे निकालेंगे, 200 को हम 10 से भागा देंगे, ठीक है, जल्दी सोचने के लिए। तो हो गया ना यहाँ पर, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, यानी 20, तो 200 का 10% 20, ठीक। कह रहा है 40%, अगर 10% 20 है तो 40% कितना होगा, 85, क्योंकि ये 40 चार गुना हुआ ना, तो ये भी चार गुना हो जाएगा, यानी 40% 80, मतलब 80 आ गया, 200 में से उसे 80 आ गया, क्लियर। कह रहा है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए दूसरा प्रश्न पत्र है वो कितने का है 150 का, 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम मतलब कम से कम कितना प्रश्न कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे जब उसे पास करना है, क्योंकि उसे टोटल 50% लाना था। तो टोटल पूर्णांक है कितना हम लोग देख लेते हैं, पहले प्रश्न पत्र में टोटल पूर्णांक 100, दूसरे में कितना है 150, तो टोटल 350 का उसको परीक्षा हो रहा है, 350 पूर्णांक वाले परीक्षा हो रहा है, उसमें 50% उसे लाना है पास होने के लिए, तो इसका 50% कितना होगा आधा, 50% अभी बताया ना कि आधा होता है, तो इसका आधा कितना होता है 175, कितना होता है 175, क्लियर। 300 का आधा 150 और 50 का आधा 25, 150 प्लस 25 175, क्लियर। अब देखिए उसमें से 40% में से 80, तो ये 80 ले आया 300 में, 385 में से 25 में से 350 में से 80 ले आया ना, अब लाना टोटल कितना है 175 लाना है टोटल, तब तो कितना रह गया लाना, नहीं 95 और लाना है, और 95 और लाना है, इसका तो हो गया एग्जाम, पहले प्रश्न पत्र का तो हो गया, उसे 40% उसमें लाया, अब तो भरोसा करना पड़ेगा दूसरे वाले एग्जाम में, दूसरे वाला एग्जाम कितना है 150 का, तो 150 में से 95 तो लाने ही होंगे टोटल 50% लाने के लिए, 175 लाने के लिए, ठीक है। तो उसी में कह रहा है कितना प्रतिशत, ये तो अंक में 95 लाने होंगे ना, प्रतिशत में कितना लाने होंगे, ठीक है, तो 95 लाने होंगे, कितने से टोटल कितने हैं 150, 150 में से 95, नहीं कहते हैं इतना आउट ऑफ इतना, तो 95 लाना है, कितना में से 150 में से, लेकिन 100 में प्रतिशत है ना, तो 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए 25 छक 150, 25 100, ठीक है, ए 2 दिन 4 3 दिन 6, क्लियर। यहां पर देख लीजिए ये पूरा पूरा तो कट नहीं रहा है, तो 95 दुनी इतना हो गया, ओके कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण चला गया, लिखा हुआ कितना लाना था 95 लाना था 150 में से, इसको परसेंटेज में हम लोग को चेंज करना था, ठीक है। 100 85 150, 95 दुनी 90, 18 100, 9 दुनी 18 180, 5 दुनी 10 190 अपॉन 3, ठीक है। 180 अगर रहता तो 3 से कट जाता, ठीक है, यानी ये 63 पॉइंट समथिंग आ रहा है, कितना आएगा 63 पॉइंट समथिंग समथिंग, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए लगभग में आ रहा है, ये होगा ऑप्शन डी आंसर, क्योंकि 63 के बाद तो 64 ही आएगा ना, सो ऑप्शन डी, क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, आई विल कंटिन्यू, मैं ये कंटिन्यू रखूंगा ये सेशन को, और चाहूंगा कि वीडियो थोड़ा लंबा करें, ठीक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।